सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कई आपराधिक गिरोह और इस तरह के जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो लोगों को फोन करके और उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। बिहार में धांधली की खबरें आपको हर बार मिलती होंगी, परीक्षा में धांधली हुई है या कहीं ना कहीं परीक्षा में बहाली के लिए सेटिंग की जाती है, लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई इन दिनों काफी सक्रिय है। बिहार में पारदर्शिता से बहाली ली जाएगी, ये बात आर्थिक अपराध इकाई के और तमाम जो BPSC के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं। इस बार जो BPSC टीचर बहाली की परीक्षाएं हुई उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई, कमांड कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया कि और तमाम सेंटरों पर भी निगरानी रखी गई कि बच्चे जो हैं वो निष्पक्षता के अंदर रहे, कि जो परीक्षाएं वो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्षतापूर्ण है। लेकिन लगातार जो है अब BPSC टीचर बहाली की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, परीक्षा ले ली गई है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, लगातार जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं, लेकिन अब इसमें एक गिरोह जो है वो सक्रिय हो गया है, छात्रों से पैसे की डिमांड कर रहा है और उस पैसे से डिमांड के बाद वो कहता है कि हम आपकी बहाली करवा देंगे और आप इतने पैसे हमें दीजिए। देखिए, ये बात जो है जो नौकरी की बात है, लगातार जो छात्र हैं इसके झांसे में चले आते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो पैसा है वो नौकरी के लालच में वो उस गिरोह का शिकार बन जाते हैं। निखिल, आप अपराध आर्थिक अपराध इकाई के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, SP हैं सुनील कुमार, उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से आप लोग इस झांसे में ना आए, देखिए उनके वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हाल में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की हुई हैं, जो STET की परीक्षा है या जो BPSC से शिक्षक की बहाली की परीक्षा है, इसमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कई आपराधिक गिरोह और इस तरह के जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो लोगों को फ़ोन करके और उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस तरह के झांसे में मत आए, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, सरकार ने पारदर्शी तरीके से सारी प्रक्रिया को अपनाया है और परीक्षा जो एजेंसी ले रही है वो समय समय पे सारे डिटेल्स अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर रही हैं, तो इसीलिए आप इसके झांसे में मत आएँ। और अगर आपको कोई ऐसा कोई आदमी आपके साथ आपसे पूछता है या आपको कहता है कि आप पैसा दें, तो आप जो भी उचित फोरम है उसमें जरूर कंप्लेन करें और ऐसे विरुद्धों के तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करें। तो आपने सुना कि तमाम बिहार के छात्रों को अब ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो निष्पक्षतापूर्ण है, पारदर्शिता पूरी उसमें बढ़ती गई है, आप लोग किसी झांसे में ना आए और शांतिपूर्ण मन को शांत रखें और किसी भी दलाल या जो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है उसके झांसे में ना आए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।